रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे जब घर पर ही ऐसी स्वादिष्ट और लाजवाब वेज दम बिरयानी बनाओगे। बिल्कुल खिली खिली बनेगी और वो अरोमा मिलेगा जो कि आप बिरयानी में चाहते हो। बिल्कुल वही अरोमा, वही खुशबू जो बिरयानी खाने के बाद बहुत समय तक हाथों में रह जाती है। इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ और अब ये बहुत आसान हो जाएगा आपके बनाने के लिए। तो मोजेस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है, मैं महिमा मोजेस। तो चलिए हम वेज दम बिरयानी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम केसर को तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप कोई भी फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप दूध में मैंने 15 से 20 केसर के धागे लिए और उसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया है। 1.5 कप बासमती राइस लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अच्छे जो लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं ना, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छी क्वालिटी का राइस को ही आप चूज करें, इससे जो बिरयानी का टेस्ट है, फ्लेवर है ना, वो इन्हेंस होता है। इसे धोकर मैंने साइड पर रख दिया था 30 मिनट के लिए। पानी डालकर आप इसे सोक करके रखेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा इवन कुक होता है और अच्छा खिला खिला बनता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए 30 मिनट आप इसे सोक करके जरूर रखें और इस प्रोसेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है और प्याज को हमें बहुत ही अच्छे से पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है। ना ही तो आपको इसे बारीक काटना है और ना ही तो बहुत ही ज्यादा मोटा रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल जो मीडियम एक थिकनेस होता है ना, वैसा कट किया और इसके सारे छल्लों को आपको इस तरीके से अलग कर देना है। तो चलिए हम बिरिस्टा बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ऑयल का टेम्परेचर। अगर आपके पास थर्मामीटर हो तो आप चेक कर लीजिए, ऑयल का टेम्परेचर 170 होना चाहिए। और अगर नहीं है तो बस इतना ध्यान रखिए कि ऑयल जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए और जस्ट इसमें से स्मोक निकलने वाला हो उसके पहले ही आपको अनियन को इसमें डालकर फ्राई करना है। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्याज अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसे एक साथ बंच बनाकर एक साथ फ्राई न करें, आप 2-3 बैच में करके प्याज को फ्राई कर लें। जैसे ही जो प्याज है हल्का लाइट गोल्डन कलर का हो जाए ना तो आपको इसे निकाल लेना है, ये देखिए। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए फ्राई करते हैं ना तो क्या होगा, हो सकता है कि ये जल भी जाए या इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जितना भी जो एक्सेस ऑयल है ना, इस तरीके से आप एक चम्मच से इस तरीके से दबाकर इसका सारा एक्सेस ऑयल निकाल सकते हैं। गर्म पानी में 4 से 5 इलायची, 1 इंच दालचीनी, 4 से 5 लौंग और थोड़ा सा यहाँ पर 1 टीस्पून शाही जीरा भी मैंने ऐड किया है। शाही जीरा ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। स्वाद अनुसार नमक डाला है और यहाँ पर हम सारी तैयारियाँ चावल की कर रहे थे तो जो चावल सोख करके रखा था उसे भी मैंने डाल दिया और डालने के बाद जरूर चम्मच चलाए, चावल जो भी नीचे से चिपक जाते वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चावल को हमें 70-80% कुक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चावल है वो बाहर से तो पक चुका है लेकिन अंदर से जो इसमें है ना, थोड़ा सा कच्चापन, जो थोड़ा सा एक कसर रहता है ना, वो है। चावल जैसे ही 70% कुक हो जाए ना, बिल्कुल भी देर ना करे, तुरंत ही आप इसे छान कर अलग से निकाल ले। इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है आप इस तरीके से ना छन्नी में निकाल ले और इसे किसी भी परात, प्लेट या किसी भी ट्रे में रख दे इस तरीके से और फैला दे। चावल तो अब रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है। आप हंकर्ड भी ले सकते हैं लेकिन दही में ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही ले। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है जो कि 1/2 छोटी चम्मच है। हम यहाँ पर मैरिनेशन कर रहे हैं लेकिन इस डिश में मैरिनेशन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन अगर आप मैरिनेशन करते हैं तो थोड़ा सा इसका फ्लेवर एनहेंस होता है। लेकिन अगर आप इस स्टेप को स्किप भी कर रहे हैं तो भी आप ये मत सोचिएगा कि फ्लेवर कम आएगा, तब भी ये अच्छा ही बनेगा। 1 कप मिक्स्ड वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। पनीर को बस मैंने थोड़ा सा अलग से ऐड किया है जो कि ऑप्शनल है। जितने भी वेजेस मैंने इसमें डाले हैं वो इंपॉर्टेंट वेजेस है लेकिन आप चाहे तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें आप गोभी, ब्रोकली या तो आप कॉर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा लौंग लिया है 4 से 5, 4 से 5 यहाँ पर मैंने हरी इलायची भी डाल दी है, 1 इंच दालचीनी, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने छोटा सा मेस भी लिया है जायवित्री। यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक सा बिरयानी मसाला तैयार किया है। बिरयानी मसाला के तो कई प्रकार है जैसे कि शाही बिरयानी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, अवधी, लखनवी, बहुत सारे प्रकार से और अलग तरीकों से इसे बनाया जाता है। आप चाहे तो इसे बिना पीसे ऐसे ही साबुत भी डाल सकते हैं, रेस्टोरेंट में तो इसे ऐसे ही डाला जाता है लेकिन बस आप धनिया को स्किप कर देना। प्याज को जब हमने फ्राई किया था तो उसी ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। 3 टेबल स्पून ऑयल में मैंने 1 टी स्पून जीरा और 1 बेलीफ डाला है। उसके बाद जो है मैंने 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। थोड़ा सा हमें बस इसे सॉटे करना है। और अगर आप बिरयानी मसाला नहीं बना रहे हैं तो सारे साबुत मसालों को आप ऑयल में ही इस समय डाल सकते हैं। रेस्टोरेंट में तो डायरेक्ट साबुत मसालों को डालकर ही बना दिया जाता है लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आप पीस ले, लेकिन ऐसे भी जो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि हम यहाँ पर वेज बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें जितने मसाले मैंने बताए हैं उतने सफिशियंट है। एक मीडियम साइज का टमाटर यहाँ पर बारीक चॉप करके मैंने डाला
रहा था, बस ज़रा सा वो सॉफ्ट हुआ है। उसके बाद जो हमने वेजेस जो मैरिनेट करके रखी थी, लगभग आधा घंटा जो है मैंने इसे रखा था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा देर ही बस आप इसे चम्मच चलाएंगे और आप देखेंगे कि जो दही है ना वो तेल छोड़ने लगेगा। तब आपको इसमें बिरिस्टा ऐड करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा बचा भी लेना है क्योंकि लेयरिंग के समय उसकी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आप इसमें अनियन डालें और उसके बाद इसे मिक्स करें। यहाँ पर बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो हार्ड वेजेस है जैसे आलू गाजर, कम से कम वो 50-60% अच्छे से कुक हो जाना चाहिए क्योंकि हमें आगे इसे दम भी देना है। यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना डाला है जो कि 1/4 कप दोनों ही अलग अलग है, और इसे मैंने बारीक चॉप करके डाला है। जब आपके वेजेस अच्छे से डन हो जाए तब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है क्योंकि आगे हमें और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 छोटा चम्मच डालें और बाकी का आप रख दें। अब सब्जी वगैरह हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, तो अब हम लेयरिंग की तैयारी कर लेते हैं। और लेयरिंग के लिए आप कोई भी अच्छा हैवी बॉटम पैन का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा तेल लिया है यहाँ पर मैंने और चारों तरफ अच्छे से फैलाकर ग्रीस कर दिया है। आपके पास अगर घी भी हो तो आप घी से भी कर सकते हैं। कोई भी अच्छा डीप पैन ले, अच्छा मोटा तला वाला पैन ले, लेकिन ज़्यादा पतला पैन इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसमें चावल ऐड करेंगे, और चावल डालने के बाद आधा चावल मैंने यहाँ पर डाला है और अच्छे से इसे फैला दिया है। अब जो वेजेस है उसे हम डालकर इसकी एक लेयरिंग कर लेंगे, और वेजेस को डालने के बाद चारों तरफ इसे भी हम चम्मच से इस तरीके से फैला देंगे। लेयरिंग करने के पहले आप अपने जो पॉट या जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसे गर्म जरूर कर लें। चारों तरफ सब्जियों को फैलाने के बाद थोड़ा सा बिरिस्टा ऐड करें, थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ बारीक धनिया, थोड़ा सा पुदीना आप यहाँ पर डाल दें ऊपर से। अब फिर से जो हमारा राइस बचा हुआ था, आधा राइस मैंने पूरा इसके ऊपर डाल दिया है, और इसे भी हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो लेयरिंग तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ फ्लेवर्स और कलर को ऐड करना है ऊपर से। तो जो सैफरन वाला मिल्क हमने तैयार किया था, केसर मिल्क, उसे मैंने ऊपर से इस तरीके से चारों तरफ ना फैला के डालना, एक जगह पे नहीं डालना। और थोड़ा सा घी मैंने लिया, इसे भी आप देख सकते हैं कि हर तरफ में थोड़ा थोड़ा डालकर फैला रही हूँ, एक जगह नहीं डाले आप। इसके बाद फिर से यहाँ पर वही हमको पुदीना, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक धनिया, ये सब डालना है। थोड़ा सा यहाँ पर बिरिस्टा भी हमको ऐड करना है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जाएगा हमारा बिरयानी मसाला, जो कि मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है और चारों तरफ अच्छे से फैला के डाला। इसे ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छी जो खुशबू है वो आती है। अब हम यहाँ पर दम की तैयारी करेंगे। तो सबसे जो लो फ्लेम वाला बर्नर है उसे हमने रेडी कर लिया है। इस तरीके से एक तवा रख दें, और यहाँ पर जो है कोई भी किचन टॉवेल, एल्यूमिनियम फॉइल, या आप आटे का भी डोबी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी आप लीड यूज़ कर रहे हैं ना वो अच्छे से टाइटली सील होना चाहिए। 20 से 25 मिनट हमें इसे दम देना है, लेकिन आप उसके बाद जैसे ही समय हो जाए फ्लेम को आप बंद कर दें और थोड़े देर के लिए आप इसे रेस्ट पर छोड़ दें। उससे क्या होगा, जो भी इसमें फ्लेवर है वो मेल्ट हो जाएगा, और कोई भी मॉइस्चर वगैरह होगा ना तो वो जो राइस है अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। अब मैं इसे एक फाइनल फ्लफ दे रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो चावल है बहुत ही अच्छा खिला खिला बना है। दिखने में जितना ज़्यादा ये खिला खिला और मस्त है ना, उससे कहीं ज़्यादा खाने में ये टेस्टी और फ्लेवरफुल है। आप जब भी इसे बनाओगे ना तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी, पड़ोस तक चली जाएगी। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं, अगर आप इसे फॉलो करोगे ना तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी घर पर बना लोगे। ट्राई करें, पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और कुछ भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।